टाइप्स ऑफ टेस्ट्स डी ए स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे टाइप्स ऑफ टेस्ट पर बात करनी है कि टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं अससमेंट के लिए उनकी टाइप्स क्या है सबसे पहले टेस्ट को देखते हैं असिस्टमेटिक एंड स्टैंडर्डाइज मैथड यूज टू मैर एंड इंडिविजअल्स नॉलेज स्किल्स एबिलटीज़ तो ये वो आला होता है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स का नॉलेज और उनकी एबिलटीज़ को चेक करते हैं आ सेट ऑफ़ क्वेश्चन टास्क आर एक्सरसाइजिज दैट आर एडमिस्टर्ड टू टू अस द टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस तो जो टेस्ट दे रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इन अ स्पेसिफिक डोमेन तो कागनेटिव डोमेन साइकोमोट डोमेन और अफेक्टिव डोमेन ये तीन डोमेन है बलूम टेक्सोनोमी के मुताबिक तो so, उसमें हमने चेक करना होता है कि स्टूडेंट uh, का किस डोमेन का आप टेस्ट ले रहे हैं आ यूज इन एजुकेशनल सेटिंग एम्प्लॉयमेंट uh, सेलेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए तो ये आपके सामने टाइप्स ऑफ टेस्ट के हवाले से एक पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है जिसमें फंक्शनल टेस्टिंग है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है और कन्फनटेक्शन uh, टेस्ट है और रिसेशन uh, टेस्टिंग है तो ये मुखलिफ टेस्ट हैं जिनको हम यूज़ uh, कर सकते हैं इसको uh, इसमें uh, बताया गया है तो टाइप्स ऑफ टेस्ट को मज़ीद हम स्टडी करते हैं कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस एंड द स्पेसिफिक करेक्टरस्टिक्स ये मुखलिफ तरह के होते हैं अपने पर्पज़ और उसके लिहाज से और ये कॉन्टेंट के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये डिफरेंट हो सकते हैं तो सम टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन सी हैं सबसे पहला अचीवमेंट टेस्ट ये नॉर्मल जो है स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उनकी क्लास की अचीवमेंट है उसके बारे में है सो so, मई अ परसनस नॉलेज और प्रोफिशेंसी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया यानी किसी ख़ास सब्जेक्ट में जैसे आप की क्लासेज में आप टेस्ट लेते हैं स्टैंडर्डाइज uh, टेस्ट के ज़रिए जैसे लाइक सेट एंड एक्ट वगैरह सो एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट असल में रुझान का टेस्ट होता है वेल्यूएट अ परसन पोटेंशल सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक स्किल एरिया ऑफ वर्क लाइक वर्बल न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटीज़ या कंप्यूटर के लिए हम टेस्ट ले सकते हैं या कुछ और टेस्ट होते हैं तो ये देखें ये जो प्लेसमेंट टेस्ट है जैसे ये तस्वीर में भी आपको मुख्तु टाइप्स नज़र आ रही हैं प्रोफिशेंसी uh, टेस्ट ये महारत का किसी चीज़ में टेस्ट होगा प्लेसमेंट टेस्ट है ये स्टूडेंट के लेवल को प्लेस करने के लिए हम लिया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्टूडेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को या लेवल ऑफ अचीवमेंट को चेक करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को या उसकी नीड को असेस करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट अब देखिए लैंग्वेज असेसमेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है uh, चूँकि लैंग्वेज में भी तकरीबन सेम ही टेस्ट यूज होते हैं अब इसमें देखें पहला टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट ये क्या है मयर्स के एस ए ये के एस ए क्या है नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड सो ऑफ मटेरियल डायरेक्टली टॉट इन दोर्स ठीक है फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट मैयर के एस ए इन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसिज फिर प्लेसमेंट uh, टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट uh, है दैट मैय प्रोफिशंसी फॉर प्लेसमेंट इन द प्रोग्राम फिर मैय के एस ए अगला नेक्स्ट है प्रोफिशंसी टेस्ट जो है कंपेयर टू द एस एल एंड नेटिव स्पीकरस तो ये लैंग्वेज के बारे में टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट ये रुझान का टेस्ट है लाइकलीहुड लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस नेक्स्ट इसकी टाइप जो है वो क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट तो इंटेलिजेंस टेस्ट मईस पर्सनस का एबिलिटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स हैं एस्टिमेट द पर्सन जनरल इंटेलिजेंस इसके लिए एल्फर्ड बीने के टेस्ट हैं और इस तरह और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है असेसिंग द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी ट्रेट को चेक करने के लिए करेक्ट्रिस्टिक्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज टू अंडरस्टैंड अ पर्सनस पर्सनैलिटी प्रोफाइल यानी वो किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है किस तरह का है और प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसमें मज़ीद आपको एक तस्वीर में नज़र आ रहे हैं जो इसमें अगर आप उसको भी मज़ीद देख सकते हैं नैक्स्ट uh, आगे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट में डाइग्नोस्टिक टेस्ट है यूज़ टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज स्पेसिफिक कंडीशनस डिसऑर्डर्स एंड आर डिफ़िकल्टीज और प्रोफेशनल यूज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी मेडिसन और एजुकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशंसी टेस्ट में क्या है असेस अ परसन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ पर्टिकुलर लैंग्वेज कि उसमें लिसनिंग में स्पीकििंग में रीडिंग एंड रइटिंग ये सारी चीज़ें तो स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और ये जो इसके टेस्ट हैं लैंग्वेज के इसमें टोफिल है आइल्ट है इंग्लिश uh, प्रोफिशंसी के टेस्ट हैं तो आप देखें काइंड ऑफ टेस्टिंग में भी दूसरी साइड पर आप देखें प्रोफिशंसी टेस्ट हैं अचीवमेंट टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्लेसमेंट टेस्ट हैं है, इन सब को हम लैंगवेज की असेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट ये असेस परफॉर्मेंस एबिलिटी टू अप्लाई देयर नॉलेज स्किल्स इन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशन मसल इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज के लिए या राइटिंग स्किल्स में हम यूज़ कर सकते हैं डिमॉन्सट्रेशन है सिमलेशन और हैंड ऑन टास्क हैं टू माइअर कंपिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया फिर है स्क्रीनिंग टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो जॉब के हवाले से है या इसको हम बहुत सारे जो थाउजेंड्स के हिसाब से स्टूडेंट्स होते हैं उनको शाट आउट करने के लिए उनमें से रेलिवेंट लोग निकालने के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं और ये इनिशियल इंटरेक्शन आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल इश्यूज और कंसर्न्स के बारे में कंप्लाइंस टेस्ट कंप्लाइंस टेस्ट जो असेस एन इंडिविजुअल्स डिवोशन टू स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन और यूज इन द एरिया सच एज़ वर्क प्लेस सेफ्टी और लीगल कंप्लाइंस आर एथिक्स तो ये थे टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हम अपनी टीचिंग uh, लर्निंग में हम यूज़ करते हैं उनको मैंने तफसील के साथ आपके सामने पेश किया